नमस्ते, मैं हूँ अंता मकवाना। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ वटाने के स्टफ परोटा। तो वटाना, मैं एक किलो वटाना लिया है, धोके चालनी में निकाल लिया है। और इसके लिए सामग्री है 6 से 7 ग्रीन मिर्ची और अदरक का पेस्ट है, कोथमीर है और तिल है। मैं वटाना ग्राइंडर में पीसूंगी। और एक ध्यान रखना है, इसमें पानी का उपयोग करना नहीं है, को इसलिए मैंने धोके चालनी में रखा है, इसलिए कि पानी सब निकल जाए, इसलिए मैं इसको ड्राई पीसूंगी। तो मैंने वटाना ऐसा पीस लिया है मिक्सर में। अभी इसको मैं धीमे आंच पे सेकूंगी। मैं 2-3 चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल गरम, 2-4 चम्मच तेल लिया है। तेल गरम हो चुका है, पहले डालना है अदरक और मिर्ची का पेस्ट। दो मिनट भूनना है। डालना है मेरे दो से तीन चम्मच तिल लिए, सफेद तिल वो डालना है। इसको धीमे आंच पे सेकना है। आज बोल रही हूँ ना भाई, बोल रही हूँ। तो इस तरह भुनना है, एकदम इसे पानी ना पूरा सूख जाना चाहिए। धीमे आंच पे और को कंटिन्यू थोड़े टाइम हिलाते रहना है, जो बेक न जाए नीचे। जैसे सेकते जाएंगे ना, सब कलर चेंज होते जाएगा। कलर चेंज होने के बाद तो मालूम पड़ जाते कि उसको अच्छी तरह से सेक के हो चुका है। तो कंटिन्यू हिलाते रहना है, बहुत फास्ट भी नहीं रखना है गैस, और स्लो भी नहीं, एकदम धीमे आंच पे सेकना है। तो क्या प्योज जल जाता है और फिर वो मटर कच्चा रह जाएगा। मोस्ट ऑफ है ना नॉनस्टिक में सेकना है, एल्यूमिनियम में जो स्टील में सेकोगे ना तो पूरा चिपक जाएगा तुरंत नीचे। अभी ये आधा सेकने के बाद में नमक डालना है स्वाद अनुसार, क्योंकि वो नमक का ही पानी छूटता है ना, इसलिए। तो मेरा पूरन सेक के हो गया है, देखो कलर किधर चेंज हो गया है। हाँ, इसे ड्राई करना है, इसलिए पिस्ते का टाइम पानी जितना हो सके मत डालो,
जरूरत बहुत ऐसे लगता है कि नहीं पीस रहा है तो एक चम्मच जितना ही पानी डालो पीसने का टाइम, मगर जितना ट्राई ऐसा ही करना है आपको कि पानी डाले बिना पीसना है। पानी डाल के पीसोगे तो फिर वो सेकने को बहुत टाइम लगता है और फिर जल्दी एकदम पतला पतला हो जाता है, ऐसा नहीं, ऐसा ड्राई होना चाहिए। तो स्टफ परोठे में स्टफिंग जो अपन डालेंगे ना वो चुटना नहीं चाहिए, वो बराबर आटे में बैठना चाहिए, इसलिए तो ये कितना ड्राई हो गए देखो और कलर भी चेंज हो गया है। नमक भी 2 मिनट सेकने के बाद नमक डाल दो स्वाद अनुसार, और क्योंकि बाद में डालने से वो एक थोड़ा ढीला होने के चांसेस होते हैं, इसे तभी डालना है आपको नमक। देखो कितना ड्राई हो गया है, अभी मैं इसको ठंडा करने रखूंगी, फिर ठंडा होने के बाद मिलेंगे। तो मेरा ठंडा हो गया, पूरन ठंडा हो चुका है सर ड्राई, अभी इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया, बाद धो के बारीक काट के रखा था। धनिया हमेशा लास्ट में ही डालना है, पहला डालना नहीं है। मैं बिना पानी का ये पूरन सेकी तो मेरे को 15 से 20 मिनट लगा, जब पानी होता तो उसमें कितना समय लगता था डालने के लिए, सूखा ड्राई होने के लिए, इसलिए कम पानी जितना चाहे दे हो सके तो पानी वो कम यूज करना। अभी उसको और बहुत इजी है, कम मसाला और टेस्टी, जरूर आप ट्राई कीजिए घर पे। अभी उसको लुए कैसे करने हैं, लुए ना मैं इतने साइज के लुए कर रही हूँ, लुए करने का टाइम ऐसा गोल नहीं रखना है, उसको दबा देना है, क्योंकि है ना जब स्टफिंग करेंगे ना पराठे के अंदर तो वो परोठा फटता नहीं है, गोल करोगे तो परोठा फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको जैसे बटाटे वटे को कैसा अपन दबा के करते हैं वैसा इसको दबा के करना है। ओके ऐसा सब लुए मैं अभी ऐसा कर रही हूँ। मैंने 1 कटोरा गटूरी गेहूं का आटा लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक, 2-3 चम्मच तेल का मोल, ये आटा नॉर्मल जैसे अपन चपाती के लिए बांधते हैं ना वैसा ही बांधना है, सेम कुछ फर्क नहीं करना है, जैसे आपके घर में ढीला थोड़ा थोड़ा जैसा बांधते हो वैसा ही बांधना है। ऊपर का है ना उसको निकालना है, कोई बहुत फास्ट नहीं सेकना है, मीडियम पे सेकना है।
मीडियम आज पे, मीडियम में आज पे ही सेकना है, बहुत स्लो और बहुत फास्ट में।